कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर पंजाब की सियासत फिर से गर्मा गई है। सिद्धू इन दिनों कांग्रेस आलाकमान से काफी नाराज चल रहे हैं। बीजेपी छोड़कर सिद्धू कांग्रेस में ये सोच कर गए थे कि उन्हें पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देगी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू की एक नहीं चलने दी और बता दिया कि पंजाब कांग्रेस का बॉस कैप्टन ही है। विवाद इतना बढ़ा कि सिद्धू को पंजाब कैबिनेट से इस्तीफा भी देना पड़ा और पिछले काफ़ी समय से खामोश सिद्धू के अब अगले राजनीतिक सफ़र और कदम को लेकर कयासबाजी तेज हो गई है। दरअसल सिद्धू के आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अटकलें भी लग रही है, तो तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। ऐसे में पिछले कुछ समय से राजनीति से गायब सिद्धू फिर से चर्चा में आ गए हैं और इस बार कांग्रेस से अलग होकर वे राजनीतिक पिच पर नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष भगवंत मान ने कहा कि सिद्धू की छवि साफ है और आप में सभी अच्छे लोगों का स्वागत है। मान ने यहां तक कह दिया कि पार्टी में सीएम के चेहरे को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू आपकी ओर से 2022 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसा हुआ तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा। बहरहाल इन खबरों के बीच कांग्रेस की ओर से सिद्धू को मनाने की कोशिश की गई। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने सिद्धू से बात करके उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने, जिससे ये कयास लगाया जा रहा है कि सिद्धू जल्द ही कांग्रेस को बाय बाय बोल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।